जो SSC 2015 में आया हुआ है, ठीक है? तो कैसे सॉल्व होगा ये हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर देन 5/3 ऑफ द नंबर। कहने का मतलब है कि एक नंबर है जिसका 3/4 जो है, 3/4 उस नंबर का 7 ज्यादा है उसी नंबर के 1/6 से, तो वो नंबर क्या होगा। यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो लेट द नंबर इक्वल टू एक्स है। अब एक्स का 3/4 करेंगे यानी इसमें 3/4 कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x/4 ये आ गया, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है, 7 मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर, उसी नंबर का 1/6। तो अगर इसी नंबर का x का 1/6 करें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x/6 आ जाएगा, ठीक है? तो 3x/4, ठीक है, 7 क्या है, ज्यादा है किससे, 1/6 ऑफ द नंबर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा ये क्या इक्वेशन बनेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक्स बाई सिक्स को इधर लेते आते हैं, 7 यहीं पे रह जाएगा, यानी हो जाएगा 3x/4 माइनस x/6 इक्वल टू में 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, 6 3 18x हो जाएगा, 4 इधर क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 6 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है? 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x/24 इक्वल टू 7 आएगा। अब ये ऊपर वाला है तो ये 7 1 जा 7 2 जा, ये कट जाएगा, ये 2 1 जा और ये 2 12 जा, ठीक है? तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब जिसको ये काटना पीटना नहीं समझ में आ रहा कमेंट करेगा तो उसको हम बता देंगे कैसे ये कटा हुआ। तो x इक्वल टू 12 आ गया। अब कह रहे हैं कि 5 ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर तो 12 आ गया, इसका 5/3 कर लेते हैं, तो 5/3 ऑफ द नंबर यानी 12 का 5/3, तो 3 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, अब 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के बेस पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन में हमको इतने ये परपंच नहीं करने होते हैं, उसमें एक दो स्टेप होता है, तो वो सारी चीजें तब आएंगे जब बेसिक लेवल से मैथ या आपके मैथ में अच्छे कमांड होंगे तब होंगे। और जिनको नहीं आ रहा है वो कमेंट वमेंट करे तो उनको उस तरीके से चीजें, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा।